कितना अच्छा होता है जब किताबों के बजाय हम अपने आँखों से चलता फिरता अपने इतिहास को ये देखते हैं, और एक बार फिर हमारा इतिहास ताज़ा हो जाता है। तो हम अपनी जो धरोहर है, ये धरोहर अहोम राजाओं की निशानियां हैं जो अभी तक बची हुई है। तो यहाँ पे प्रसाद खरीदा जा रहा है, क्या खरीद रहे हैं जी? जी सुबह सुबह आना चाहिए था लगता है। तो स्वागत है एक और ब्लॉग में हमारे। हम अपनी आवाज़ को बाद में डाल रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। क्या क्या चढ़ता है यहाँ पर? प्लेट में पूरा चढ़ाने के लिए सब देते हैं, चढ़ाने में भी आराम रहता है। मैंने सही दिमाग लगा लिया जी ने, क्या हम लोग चप्पल निकालना मंदिर के अंदर हम लोग अब जा रहे हैं, देखते हैं। पति देव जी हमारे इतना धीरे बोलते हैं कि इनकी आवाज़ ही नहीं आ रही। यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पे जो लोग बहुत लोग चावल चढ़ाते हैं तो कबूतर को भी देते हैं। और यहाँ ये जो गुंबद दिख रहा है ये सोने का है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था और मंदिर की घंटियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही थी, तो मैं इस वीडियो में ये बोल रही थी कि मैं शिव सागर आई थी। यहाँ का नाम शिव नहीं है, शिव बोलते हैं आसामी लैंग्वेज में। शिव डोल बोलते हैं, डोल मीन्स मंदिर होता है, पर जैसे हम लोग शिव मंदिर बोलते हैं वैसे ये लोग शिव डोल बोलते हैं। तो हम लोग यही बोल रहे थे, आज मंडे है तो हम मंडे को सावन का सोमवार चल रहा है तो आज दर्शन करने आए हैं भोलेनाथ जी का। और पति जी भी हमारे कुछ बोल रहे थे उस समय पर हमको याद नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोगों की साइड पूजा करने का तरीका अलग होता है, यहाँ अलग है, पूरा सब चीज़ अलग है। तो ये नई चीज़ें हैं यहाँ अनुभव कर रहे हैं हम लोग। ये जो मंदिर है, मंदिर का जो गुंबद है वो अंदर से पूरा सोने का बना हुआ है, जहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता है। आधा सफर हमारा निकल गया, आधा बाकी है। वीडियो कोई घुस जाएगा कि मंदिर के अंदर आ गए हैं, पर मेन मंदिर के अंदर हमें अलाउ नहीं था मोबाइल ले जाने के लिए। तो हम इस वीडियो में यही बोल रहे थे कि ये अहोम राजाओं की निशानियां हैं, जो ये बहुत प्राचीन मंदिर है। माता जी का नहीं, भोलेनाथ का भाई, भोलेनाथ जी का। भूल गए, इतना भीड़ इतना सम्मान चल रहा है तो वो बोला शिवरात्रि का दिन है, तो मतलब इसको इतना नहीं पता है। तो हम लोग अभी जल चढ़ा के बाहर निकल आए हैं, अंदर जो है अलाउ नहीं था वीडियो बनाने के लिए, अब हम चल रहे हैं बाहर दिया जलाने। ये जो मंदिर था गुवाहाटी से 360 किलोमीटर की दूरी पे शिव सागर मंदिर है, जहाँ पे हम दर्शन करने आए हैं जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये बहुत प्राचीन मंदिर है, अहोम राजाओं की निशानियाँ हैं जो आज तक हमारी धरोहर अभी तक बची हुई है। अंग्रेज़ों ने बहुत चाहा ये जो सोने का गुंबद था निकालने के लिए, पर निकाल नहीं पाए थे तो छोड़ के चले गए थे। तो हम इस इतिहास को अपनी जीते जागते आँखों से देख रहे हैं, नई नई चीज़ों का अनुभव ले रहे हैं और बहुत खुशी मिल रही है हमको। हम अभी दिया बत्ती कर ली हैं, पूजा भी कर ली हैं, अब बाहर निकल आए हैं। तो ये पीछे साइड क्या है इधर? ऐसे ही है, मंदिर का पीछे साइड है, ये बड़ा सा पॉन्ड है। ये जो मंदिर है, सबसे बड़ा मंदिर भोलेनाथ का मंदिर है, फिर उसके बाद विष्णु भगवान का मंदिर है, उसके बाद माता दुर्गा का मंदिर है। तीन मंदिर यहाँ पे है। यहाँ पर एक सरोवर है जो बहुत बड़ा सरोवर है, और ये जो सरोवर है, जो तालाब है इतना बड़ा सा, यहाँ पे हम जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत विशाल विशाल मछलियाँ हैं। कम से कम 20 किलो की मछलियाँ आपको मिलेंगी और रंग बिरंगी मछलियाँ हैं। तो हम लोग तालाब के पास अब पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे देखो बहुत, ये वीडियो में उतना दूरी से नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत विशाल है, ये पास दिख रहा होगा, बहुत बड़ा सरोवर है। और यहाँ पे बतख देखो बहुत सुंदर सुंदर हैं। सत्यम कैमरा पानी के अंदर डाल के मछलियों का फोटो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था, पर पता नहीं बना नहीं, उसके बारे में नहीं पता है। ये देखो कितने प्यारे प्यारे बतख दिख रहे हैं। मंदिर जो करके हम लोग बाहर आ चुके हैं, और सीढ़ियों पे बाहर निकलने वाली जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर खड़े हुई हूँ, और थोड़ा मूड डिस्टर्ब हो गया मेरे पति देव के चक्कर में, इसलिए मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। मूड है गर्म।